हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप गांगली। आज हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का अमेजॉन क्लोन का जो फुटर है उसमें ट्रांसलेशन जो है वो हम लोग ऐड करेंगे। ट्रांसलेशन जो ऐड करने का काम था वो हो चुका था, केवल जो ट्रांसलेट होके यहाँ पे क्या टेक्स्ट लिख के आना चाहिए वो हम लोग सिर्फ इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन जो पहले लग चुका है। जैसे आप करेंगे ये सब ट्रांसलेट जो हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे आज आप लैंग्वेज जो है चेंज करेंगे तो आपके फुटर में भी जो है सब कुछ चेंज होने लगेगा। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने कोड में चलते हैं और देखते हैं कि ये फुटर वाला कंपोनेंट कहाँ पर मौजूद है। तो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जो है मेरे पास है लेआउट, लेआउट में है फुटर डॉट जेएस, यहाँ पर ये मौजूद है। उसके बाद मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है लैंडिंग पेज डॉट जेएस, मुझे इसके अंदर आना है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जो फुटर है उसमें प्रॉप्स इस तरीके से पास कर देना है, क्योंकि इसी प्रॉप्स के अंदर टी वाला जो ऑब्जेक्ट है और जो I89 वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है, जिसकी मदद से हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे app.js, तो यहाँ पर मैंने पास किया था और यहाँ से फिर मैंने इसको आगे प्रॉप्स के जरिए मैं पास करता चला गया। तो ये जो फुटर पे मैंने ऑलरेडी प्रॉप्स में पास कर ही दिया, तो यहाँ फुटर वाले कंपोनेंट में आना है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे const, ये लगाना होगा, इक्वल टू लगाना होगा आपको यहाँ पर ये, और यहाँ पर लिखना होगा प्रॉप्स और बस सेमीकोलन आपको लगाना है। इसके अंदर आके आपको लिखना होगा t, i 18n, और ऐसे i18n की भी आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लैंग्वेज चेंज नहीं करना है, आपको तो बस ट्रांसलेशन से जो वैल्यूज आ रही है वो आपको दिखाना है। तो सिर्फ t हम लोग लिखते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो है अपना common.json फाइल ओपन करना होगा, किसी भी एक लैंग्वेज का भी ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन वाले फोल्डर में चलेंगे, यहाँ पे हम लोग फिलहाल इंग्लिश वाला ओपन कर लेते हैं common.json। अब यहाँ पर मैंने आपको जो है ट्रांसलेशन बनाने का टेक्निक बताया था कि जो कंपोनेंट है उसका नाम लिखिए, जैसे नैव बार में हम लोग कर रहे थे तो नैव बार का यहाँ पे आ गया। अब नया कंपोनेंट बना तो नया की बनाना होगा जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा फुटर, और की जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमा में रखना होगा। फुटर हो गया, यहाँ पर आके आपको फिर करली ब्रैकेट लगाना है, एंटर दबाना है। इसके अंदर आप क्या करेंगे कि हम लोग अपने जरा वेब ब्राउजर पर चलते हैं और एक बार जरा पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये मैं बना लेता हूँ एक जो एक एम्प्टी की बना लेता हूँ जिससे मेरा एरर रिमूव हो जाएगा। पेज पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए एरर जो यहाँ पे आ रहा है प्रॉप्स नॉट डिफाइंड, ये बता रहा है। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है, फुटर डॉट जेएस में हम लोगों ने फंक्शन के पैरामीटर में प्रॉप्स नहीं लिखा इसीलिए बता रहा है। रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले फुटर में हमारे पास है एक बैक टू टॉप, उसके बाद हमारे पास रो है, ये मैंने माना पहला रो, दूसरा रो, तीसरा और चौथा रो, और रो भी जो है हम लोग के पास टोटल चार है और ये दो सेक्शन में डिवाइडेड है, एक है अपर सेक्शन और एक है लोअर सेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी हिसाब से अपना की जो है बनाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहां पर हमारे पास सबसे पहले बैक टू टॉप, तो हम लोग सिंपल जाएंगे यहां पर और यहां पर जो कॉमन डॉट जेसन है इसके अंदर हम लोग बनाते हैं सबसे पहला की बैक टू टॉप, ये मैंने बना लिया सिंपल। और इसके अंदर आपको क्या लिख देना है, बैक टू टॉप आपको लिख देना होगा, बैक टू टॉप जो था वही लिख देना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट यही आपको लिख देना है। तो मैंने यही लिख दिया बैक टू टॉप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो बाकी के जो कॉमन डॉट जेसन फाइल है उन्हें भी हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये मैंने इसका भी कर दिया, उर्दू वाला भी मैंने यहाँ कर दिया, सारे मैंने ओपन कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फुटर का एक की था वो बन गया, अब आपको इसको करना होगा कॉपी यहाँ पर इस वाले की को और बाकी में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कॉमा लगाना है, एंटर दबाना है, पेस्ट, कॉमा लगाना है, एंटर दबाना है, पेस्ट, कॉमा लगाना है यहां पर, एंटर दबाना है, पेस्ट। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको गूगल पर जाना होगा और वहां पर जाके आपको गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है, ये मैंने google.com लिखा और यहां पे मैंने ओपन किया गूगल ट्रांसलेट और यहां पर जाके हम लोग वही काम करेंगे कि अपने इसमें आएंगे जेसन फाइल में, ये जो लिखा है इसे करना है कॉपी, आपको यहाँ पे डाल देना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो ये जो है उर्दू वाले के लिए तो मैंने उर्दू सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो हिंदी वाला है तो वापस चलते हैं गूगल ट्रांसलेट में, यहाँ पर चलना है आपको, लिखना होगा हिंदी, यहाँ पे हिंदी में आ गया, कॉपी करिए और जो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो है आपके पास जो दूसरा यहाँ पर है बंगला वाला, तो ये बंगला मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया, कॉपी किया, अपने कोड में चलना है वापस,
बीडी वाले फाइल में जाना है, जेसन कॉमन डॉट जेसन बीडी फोल्डर के जो अंदर है उसके अंदर जाना है और यहां पे पेस्ट कर देना। आपको जो बंगला वाला था वो भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बैक टू टॉप वाला जो ये टेक्स्ट है उसे ट्रांसलेशन से चेंज करते हैं। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं। यहां पर आप देखिए फुटर डॉट जेएस में बैक टू टॉप लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको टी वाला जो ये है ये आपको यूज करना होगा। उसके बाद आपको यहां पर कर्ली ब्रैकेट भी लगाना होगा क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट का कोड जो एचटीएमएल में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने होते हैं। रिएक्ट जेएस में इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना होगा फुटर, जो कि आपका की है कॉमन डॉट जेएसएन में, उसके अंदर ये वाला जो की है वो आपको यूज करना। तो डॉट लगा के हम लोग पेस्ट कर देंगे। वापस चलते हुए ब्राउजर पे पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिएगा अभी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश में आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करूंगा, जैसे मैंने ये उर्दू कर दिया तो आप ये देखिए उर्दू में हो गया। अब जैसे मैं यहाँ बंगला में कर दूंगा तो देखिए बंगला में हो गया। अब जैसे मैं हिंदी में कर दूंगा तो देखिए हिंदी में हो गया। तो ट्रांसलेशन जो आपका वर्क कर रहा है, ये आपका जो सही से बिल्कुल वर्क कर रहा है। उसके बाद जो उर्दू में अगर होगा जैसे कि यहाँ पे ये है, तो ये जो है आपके राइट से लेफ्ट की तरफ लिख के आना चाहिए, तो ये काम आपको करना होगा। तो ये कैसे करना है ये देखते हो। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं। राइट टू लेफ्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे कॉमा लगा के आई 18n वाला जो प्रॉप्स है उसे भी यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कॉन्स्टेंट RTL, क्या राइट टू लेफ्ट करना है, इक्वल टू लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे I18N जो है वो आपको यूज करना होगा। डॉट यहाँ पे लिखना होगा लैंग्वेजेस, स्पेलिंग जो बिल्कुल सही लिखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाना है, यहाँ पे जीरो लिखना है। तो ये मेरा लैंग्वेजेस हो गया। और यहाँ पर आपको लगा देना है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन मत लगाइए, इक्वल टू लिखिए। और यहाँ पे लिखिए कि अगर ये जो है PK हो, यानी कि जो पाकिस्तान का जो लैंग्वेज है उर्दू है, अगर वो हो तो उस केस में जो है मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट जो सेंटर होता है लेफ्ट होता है, टेक्स्ट राइट गलत बोल दिया मैंने, टेक्स्ट राइट जो होता है वो दे दे रहा है क्लास सेलेक्टर। और अगर नहीं हो, अगर PK नहीं है, तो फिर ये एम्प्टी वैल्यू उस पर सेट कर देना है। तो ये हो जाएगा। और फिर इस वेरिएबल को जब हम लोग ऐड कर देंगे अपने क्लास नेम के अंदर, बस काम हो जाएगा। तो यही काम आपको करना है, तो ये मैंने कर दिया। और रिएक्ट जेएस में जो है क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी चेंज करते, जैसे आपने लैंग्वेज चेंज किया, तो आपका जो था री रेंडरिंग होता है। जब री रेंडरिंग होगा तो दोबारा से जो आपका ये फुटर वाला जो कंपोनेंट है वो कॉल होगा, इसके अंदर जो यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, तो उससे जो अपडेट आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैक टू टॉप कहाँ पे लिखा था वो देखना। ये देखिए यहाँ पे लिखा था क्लास नेम, यहाँ पे लगा सबसे पहले ये लगाइए कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे आपको बैक टिक ऑपरेटर का यूज करना है, और यहाँ पर भी आप लगाएंगे बैक टिक कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर एक वेरिएबल के वैल्यू को ऐड करने के लिए डॉलर कर्ली ब्रैकेट, वेरिएबल का नाम जो है यहाँ पे जाके लिख दीजिए। ये मैंने लिख दिया और ये ऐड हो गया। अब जरा पेज पर चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा अगर जब इंग्लिश होगा नॉर्मल आ रहा है, हिंदी है नॉर्मल आ रहा है, बंगला में नॉर्मल आ रहा है, उर्दू में ये देखिए ये हो गया। तो ये जो है बिल्कुल सही सब काम कर रहा है, ये भी हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो बाकी के जो ट्रांसलेशन है वो हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने यहाँ पे कोड में जाएंगे और ये EN वाला ही फाइल ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर एक नया जो की है वो हम लोग बनाएंगे, इसका नाम होगा अपर पार्ट। ये मैंने लिखा, या मैं लिखा सिर्फ अपर, कॉलर लगाना है, इस पर आपका ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। यहां पे मैंने लिखा Row 1, कॉलर लगाना है, इस पर भी आपका ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट मौजूद होगा उसमें इस पहले वाले रो के लिए सारे वैल्यूज होंगी। तो यहां पर सबसे पहले कुछ ऐसे रैंडम वैल्यू भर दीजिएगा तो यहां पे ये आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने टेक्स्ट कॉपी कर दिया, उसके बाद मैंने यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। इसका नाम आप टाइटल भी दे सकते हैं, हम लोग यहां पे लिखते हैं टाइटल, ये ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद हम लोग यहां पे लगाएंगे कॉमा, एंटर दबाना है, और उसके बाद इसी लाइन को करना है कॉपी, 2-3 बार जो है पेस्ट कर दीजिए। और फिर आपको यहां पे इसके अकॉर्डिंग जो यहां पे बना हुआ है, जैसे एक था अबाउट था, उसके बाद जो था आपका करियर करके था, उसके बाद फिलहाल इन दोनों को जरा डिलीट करते हैं जिससे एरर रिमूव हो जाए। इसको रिमूव करते हैं, पेज को देखते हैं एक बार। अबाउट है, करियर है, प्रेस रिलीज है, तो हम लोग यहाँ पे जो इसी को फिर से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे प्रेस रिलीज, ये मैंने लिख दिया, कॉमा यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे इसको हटाना है। प्रेस रिलीज हो गया था, उसके बाद इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट ये मैंने लिख दिया। पेज पे चलते एक बार, ये देखिए आ गया। फिर था ऑफर्स, और उसके बाद जो हम लोग कॉमा लगा के यहाँ पे जो ऑफर्स है वो हम लोग लिख देंगे।
ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑफर्स, ये मैंने कर दिया। सारा टेक्स्ट जो है वेबसाइट से कॉपी पेस्ट भी करना है। तो हम लोग जो है वापस चलते हैं वेबसाइट पे, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये आ गया, यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, करियर्स लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, ऑफर से, तो स्पेलिंग जो हम लोग सही कर लेते हैं। तो ये मैंने किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये सारा काम आप वीडियो को पॉज करके जो कर लीजिएगा, ये सब आपको समझ में आ गया वो कैसे करना है। उसके बाद जो है, क्योंकि वीडियो में ये जो पोर्शन है ये मैं कट कर दूंगा, क्योंकि बेकार में वीडियो में जो है ज्यादा जो वीडियो लेंथ बढ़ाने से कोई फायदा होगा नहीं, तो मैं इसको कट कर दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा, ऑफर्स था, तो इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, और यहाँ पे कर दिया ऑफर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो रो वन है उसमें हम लोग चलते हैं। तो जरा देखते हैं फुटर डॉट जेएस में जो पहला रो है हम लोग के पास, गेट टू नो अस, ये जहाँ लिखा हुआ यहाँ पे आपको आना है। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये आपका पहला रो है, तो यहाँ पर आपको दिस डॉट प्रॉप्स, और दिस नहीं यूज करना है, प्रॉप्स भी नहीं लिखना, आपको टी लिखना है, टी लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना होगा, फुटर डॉट लगाना है, उसके बाद फुटर के बाद आपको कहाँ जाना है, अपर में, तो यहाँ पे लिखना है अपर डॉट, फिर आपको जाना है रो वन डॉट टाइटल, ये आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आप इसी को जो है करिएगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर इसको भी पेस्ट करिए, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर जो था अबाउट था, उसके बाद आपका करियर था, उसके बाद प्रेस रिलीज था, ये टाइटल जो यहां पे नहीं होगा, ये अबाउट ऊपर जाएगा, ये जो गलत हो गया यहां पर, इसको हम लोग जरा कट करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। यहां पे इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट्स, और यहां पे होगा ऑफर्स, ये रहेगा। स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं होना चाहिए, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा जो था अपर सेक्शन का पहला रो का जो था ट्रांसलेशन लग गया। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, इसी कोड को जो क्या करना है आपको, ये जो इतना पोर्शन आपने बनाया अपर तक का, ये आपको करना होगा कॉपी। उसके बाद आपको दूसरे वाले जेसन फाइल में जाना है, यहाँ पे कॉमा लगा के एंटर लगा के पेस्ट कर देना है। तीसरे वाले में जाना है, कॉमा लगा के एंटर लगा के पेस्ट करना है। चौथे वाले में जाना है, कॉमा लगा के एंटर लगा के पेस्ट कर देना है। वही सेम काम आपको रिपीट करना है। गूगल ट्रांसलेट पे आपको जाना होगा, एक एक करके यहां से कॉपी करिए, पेस्ट करिए। अब हम लोग यहाँ पे गेट टू नोवास को कॉपी करेंगे और जो अपने वही गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे, बंगला सेलेक्टेड ही है पहले से, यहाँ से कॉपी करेंगे, टेक्स्ट आ गया, वापस यहाँ पे आना है, पेस्ट कर देना। यही काम आपको रिपीट करना होगा हिंदी के लिए और उर्दू के लिए। तो ये काम कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं इसके आगे का जो पोर्शन है वो वीडियो में कट कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं बंगला का जो ट्रांसलेशन है वो मेरा लग चुका है। अब मैं हिंदी वाला लगाऊंगा, तो सेम वही कॉपी करना है, गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, पेस्ट करिए, हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आ गया, यहां से मैंने क्लिक किया, कॉपी हो गया, पेस्ट कर दिया। बाकी कभी मैं कर लेता हूँ हिंदी का भी, देखिए हो गया। मैं जो है उर्दू वाला कर लेता हूँ, यहां पे जाऊंगा, कॉपी करना है, गूगल ट्रांसलेट पे आना है, पेस्ट करना है, यहां से सेलेक्ट करना होगा उर्दू, ये उर्दू वाला आ गया, मैंने कॉपी कर लिया, यहां पर पेस्ट कर देना है वापस। तो ये आप देख सकते हैं उर्दू वाला भी जो था मेरा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो है इसमें जाएंगे फुटर डॉट जेएस में, और यहां पर आपको क्लास नेम में वही जो आरटीएल है टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट वाला जो है वो वाला क्लास लेटर ऐड करना होगा, तो वो कर लेते हैं। तो ये लगाना है, बैकटिक ऑपरेटर लगाना है, यहां पर जाना है बैकटिक ऑपरेटर, और इसके अंदर जाके डॉलर आरटीएल आपको लिख देना है, और फिर यही वाला जो क्लास नेम है इसको यहां से करना होगा कॉपी, बाकी जगह पर जाके कर देना है पेस्ट। ये मैंने कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, CTRL D दबाया, CTRL D डिलीट दबाया, पेस्ट मैंने कर दिया, हो गया। अब जरा वेब ब्राउजर पर हम लोग चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिएगा जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे हिंदी करेंगे तो देखिए हिंदी में आ गया, उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे उर्दू कर देंगे तो उर्दू में आ गया, अब फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे ये करेंगे तो बंगला में आ जाएगा।
तो जैसा होगा वैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए उर्दू में भी जो है जो टेक्स्ट राइट है वो लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट राइट यहाँ पे लगा हुआ है क्लास सेलेक्टर। तो ये सब जो है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब जो बाकी के रो है वो हम लोग अपडेट कर लेते हैं। तो वापस अपने कोड में आपको जाना है और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जाना होगा en वाले में, common.json en वाले में, यहाँ पर जो रो लिखा हुआ है वन, इसको करिए यहाँ से कॉपी, यहाँ पे कॉमा लगाइए, एंटर दबाइए, पेस्ट कर दीजिए, इसको कर दीजिए रो टू। उसके बाद आपको जो ये सारे जो चीज है वो बदलना होगा। तो यहाँ पे रो टू हो गया, टाइटल इसका क्या था वो देखिए वेब ब्राउजर पे कनेक्ट विद अस, तो हम लोगों ने ये लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जो था फेसबुक था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। फिर है आपका ट्विटर है और इंस्टाग्राम है, तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे ट्विटर और फिर आपको लिखना होगा इंस्टाग्राम। और बाकी के जो दो की है उन्हें आपको रिमूव कर देना है, कॉमा को रिमूव कर दीजिएगा, वापस चलिएगा यहाँ पे सही है। अब यही काम आपको करना है, इसको करिए यहाँ से कॉपी, सब में जाके कर दीजिए पेस्ट, कॉमा लगा के पेस्ट, यहाँ पे जाना है कॉमा लगाना है पेस्ट कर दीजिए, कॉमा लगाना है पेस्ट कर दीजिए। अब ट्रांसलेशन कैसे करना वो आप जानते ही है, तो वीडियो को जो है मैं यहाँ से कट कर दूंगा और मैं ट्रांसलेशन करके आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आगे का जो काम है वो हम लोग करेंगे। तो ये देखिए ट्रांसलेशन जो रो टू के लिए था वो भी लग चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक गलती हो गई है, वो ये है कि मैंने कॉलम को रो बता दिया है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है कॉल लिखेंगे, कॉलम जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ये मैं आपको कॉल लिख देता हूँ, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, इसको चेंज कर लीजिएगा, ये कॉपी करना है, हर जगह चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, इसको टू कर देना है, यहाँ पे जाना है, इसको जो है यहाँ पे करना था कॉल वन, तो ये जो है कॉलम कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। फिर फुटर डॉट जेएस में जाइएगा, यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करिएगा, CTRL D, फिर CTRL D, बैक स्पेस कॉल वन, ये लिख लीजिएगा, ये जो है कॉलम होगा। और कॉलम क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ, वेब ब्राउजर पर जरा चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। कॉलम जो होता है वो आपका इस तरीके से स्टैंडिंग में होता है, और जो रो होता है वो लेटा हुआ होता है। तो आप देखेंगे पहला रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, रो इस पूरे को कहा जाएगा, ये अपर रो, ये लोअर रो, ये हम लोग कहेंगे। तो ये चेंज कर लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, इसे हम लोग जरा चेंज करते ठीक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है अपर ये है, यहाँ पे गड़बड़ है, इसको चेंज करना है, इसको कॉल कर लेना है, बाकी चीजें वही रहेंगी, ट्रांसलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसलेशन जो है अब आ जाएगा बिल्कुल सही से। अब जो दूसरा वाला मेरे पास कॉलम है मैं उसको जरा अपडेट करता हूँ। तो हम लोग चलते हैं, मेरे पास दूसरा कॉलम यहाँ पर ये था, तो हम लोग क्या करेंगे यही कोड जो है यहाँ से करेंगे कॉपी, एक बार यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ये मैंने जो है पेस्ट कर दिया, यह टाइटल वाला था यहाँ पे कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मैं कर दूंगा कॉलम टू, उसके बाद मैं इसी को करूंगा कॉपी, फेसबुक वाली जगह पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे जाके टाइटल की जगह आपको लिख देना है फेसबुक, और फिर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है ट्विटर, और फिर आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है इंस्टाग्राम। तो स्पेलिंग जो बिल्कुल सही रखिएगा, फिर जो क्लास सेलेक्टर में जो चेंजेस करने उसे हम लोग कॉपी करेंगे, और क्योंकि सब कुछ सेम है तो इसे सेलेक्ट करना है CTRL D, डिलीट करना है, पेस्ट कर देना है, ये आ जाएगा। पेज पे जरा चलते हैं, देखते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, तो हम लोग चेक करते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। अपने कोड में चलते हैं, कॉलम टू इंस्टाग्राम हम लोगों ने लिखा, जरा चलते हैं कॉमन वाले का देखते हैं, इंस्टाग्राम ये जो है कैपिटल में लिखा हुआ है, इसको आपको स्मॉल में कर लेना है, कोई भी की जो है उसका नाम है जो स्मॉल लेटर्स है वही रखिएगा, कैपिटल वाला यूज मत करिएगा। तो यहाँ पर भी ये मिस्टेक है, इसको छोटा कर लेना है, ये कर लेना है, इसको कॉलम टू कर लेना है, यहाँ पर ये मिस्टेक था इसको ठीक कर लेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, ये हो गया, इसको भी छोटा कर लेंगे, तो ये आपका काम हो जाएगा। अब क्या करिएगा, वेब ब्राउजर पर जाइएगा, पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार, सब कुछ आने लगा। अब जो लैंग्वेज चेंज करते हैं, देखिए उर्दू करते हैं, उर्दू में आने लगा, ये सही हो गया, और फिर हम लोग आप बांग्ला करेंगे, देखते हैं बांग्ला, बांग्ला हो गया सही है, हिंदी करते हैं, देखिए हिंदी आ गया सही आ गया, ये करते हैं तो ये देखिए ये आ गया।
तो जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट करूंगा और मैं बाकी के भी जो ट्रांसलेशन है वो बनाऊंगा और मैं वो आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो इसके आगे का जो पोर्शन होगा वीडियो में वो मैं कट कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपको कैसे करना है, तो बेकार में उसे ऐड करके वीडियो का लेंथ लंबा करके कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो उसी टेक्निक को मैं आप यूज करके बाकी के भी ट्रांसलेशन जो मैं वो कर देता हूँ। तो ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो बाकी का जो सेक्शन का जो कॉलम्स का ट्रांसलेशन था वो बना लिया है यहाँ पर ही। आप देख सकते हैं सारे फाइल्स मैंने चेंजेस कर दिए हैं। अब इनका हमें जो यूज करना है, तो यूज करने के लिए आपको फुटर डॉट जेएस में जाना होगा, तीसरा वाला कॉलम जो है आपका, तो यहां से आप करिए कॉपी, यहां पे कर दीजिए पेस्ट, इसमें चेंजेस कर दीजिए। तो मैं ये कर देता हूं, ये कॉलम 3 हो जाएगा। यहां से हम लोग करेंगे कॉपी, फिर हम लोग जो क्लास नेम है उसे अपडेट करेंगे। तो मैंने इसको एक को कॉपी किया, एक को मैंने सेलेक्ट किया, CTRL D दबाना है, बैक स्पेस दबाना है, पेस्ट कर दीजिए, अपडेट हो जाएगा। अब यहां पर जो कीज आपको वो बदलनी होंगी, तो हम लोग यहां पर चलते हैं और यहां पे जो कॉलम तीसरा है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहला टाइटल, दूसरा ये था, यहां से करेंगे कॉपी, यहां पे कर देना है पेस्ट, फिर आपका ये था, ये कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद जो आपका चौथा और जो आखिरी कॉलम है उसे आपको अपडेट करना होगा, तो सेम वही काम आपको करना है जो है यहां से, इसको करिएगा सबसे पहले कॉपी, यहां पे करना होगा पेस्ट, यहां पे कर देंगे कॉलम 4, यहां पर जो क्लास सेलेक्टर है उसे आपको अपडेट करना होगा, एक को मैंने कर दिया, एक को सेलेक्ट किया, CTRL D, बैक स्पेस, पेस्ट मैंने कर दिया, अपडेट हो गया। यहां पे चेंजेस करने हैं, तो इस कोड को मैंने उठाया यहां पर, ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहां पे जो की है वो आपको बदलना होगा, अपने ट्रांसलेशन फाइल को देखिए, ये है तो मैंने ये डाल दिया यहां पर, कॉपी करना है आपको, यहां पेस्ट कर देना है। ये सब कुछ हो गया। अब जरा वेब ब्राउजर पर चलते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। वेब ब्राउजर पर जाना है, पेज को रिफ्रेश करिए एक बार। अभी देखिए इंग्लिश में तो सब कुछ इस तरीके से आ रहा है, चेंज करते हैं हिंदी में करते हैं, ये देखिए सब का सब जो है बदल गया। उसके बाद जब हम लोग चेंज करते हैं उर्दू में करते हैं, हर चीज बदल गई, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो इसको बंगला में करेंगे, तो ये देखिए सब कुछ ऐसा हो गया। अब मैंने जो है ऊपर की तरफ जो रो कॉलम बनाया वही सेम मैंने नीचे की तरफ बनाया, तो मुझे बस कोड कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है और नीचे वाला जो सिस्टम है वो भी आ जाएगा, और फिर ये जो पोर्शन है ये हम लोग लगा देंगे, ये वाला पोर्शन। तो हम लोग जो है वापस चलते हैं जरा अपने कोड में और ये नीचे वाला पोर्शन सेट कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपको कई सारे जो है ट्रांसलेशन दिखा दिया, आप काफी कुछ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको आगे के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें ट्रांसलेशन लगाना होगा इसी पैटर्न को फॉलो करके। तो हम लोग यहाँ पर देखते जो बाकी का जो काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये है, ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे और ये मेरा सबसे पहला वाला कॉलम था, इसके अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ उसे करना है कॉपी यहां से, और यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है जो कॉलम है यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे H5 टैग की जगह आपको P टैग का यूज करना है, तो ये मैंने ये कर दिया, P टैग का मैंने यूज कर लिया। सबको सेलेक्ट करेंगे, टैब दबाएंगे, कोड फॉर्मेटिंग जो सही हो जाएगा, उसके बाद बाकी चीजें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। वापस ऊपर की तरफ चलते हैं, दूसरा जो कॉलम है वो देखते हैं, दूसरा कॉलम ये है, सारा कोड यहां से करिए कॉपी, नीचे की तरफ जाना है आपको, यहां पे आना है, दूसरा कॉलम जो है आपका यहां पर पेस्ट कर देना आपको, H5 की जगह P टैग का यूज करना होगा, ये सब सेलेक्ट करना होगा आपको, टैब दबाइए, सही हो जाएगा। वापस चलिए ऊपर, ये मैंने कॉपी किया, नीचे की तरफ आना है फिर से, तीसरा वाला कॉलम ये रहा, पेस्ट कर दीजिए, H5 को P टैग में कन्वर्ट करिए, इस सबको सेलेक्ट करेंगे, वापस चल देंगे ऊपर, लास्ट वाला जो कॉलम है उसका डेटा करना है कॉपी, जो कॉलम नंबर 4 है नीचे की तरफ आना है, लास्ट वाले कॉलम में आके सब कुछ यहां कर देना है पेस्ट, यहां पे करना है पी, यहां पे पी टैग का यूज करना है, एक बार सेलेक्ट करिए, टैब दबाइए, सेव कर लीजिए, वापस चलिए पेज पे, रिफ्रेश करते हैं एक बार, ये हो गया। अब जो लैंग्वेज है ट्रांसलेट करते हैं, ये देखिए इस तरीके से आने लगा, तो नीचे का भी पोर्शन जो है बिल्कुल सही से वर्क करने लगा, ये करेंगे ऐसा हो गया। अब ये जो बचा है इसको ठीक करना होगा हमें, तो हम लोग अपने वापस आएंगे यहाँ पर, एक common.json फाइल को ओपन करिएगा, इसमें जो कॉलम है ये जो रो था अपर वाला वो रहने देंगे। अब मैंने यहां पर देखिए अपर के बाद लोअर रो नहीं बनाया, वो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो डेटा था कंटेंट था वो तो सेम था ना।
अगर मैं एक अपर यहाँ बनाता, एक लोअर बनाता, तो उससे फायदा क्या होता? तो इसीलिए मैंने केवल अपर ही बनाया, उसमें ही रहने दिया। कॉमा लगाना है, यहाँ पे एंटर दबाना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंडिंग। और ये चाहे तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंडिंग टाइटल, ये भी आप लिख सकते हैं। और इसके अंदर जाके जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है एंडिंग में, ये डाल देंगे। तो ये जैसे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ पे जाके मैंने डाल दिया, ये हो गया। अब इसी को जो है आपको करना होगा कॉपी, और सब जगह जाके कर देना होगा पेस्ट। तो यहाँ पर ये जो था ये हो गया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जाना है, ये रो यहाँ पे एंड हो रहा है, कॉमा लगाइए, पेस्ट कर दीजिए। ये रो यहाँ एंड हो रहा है, कॉमा लगा के पेस्ट कर देना है। अब इसका भी ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो जरा वेब ब्राउजर पे चलते हैं। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी। सबसे पहले जो है बंगला वाला जो ट्रांसलेशन है वो करना होगा। पेज पे चलते हैं गूगल ट्रांसलेट पर, एक बार पेस्ट करते हैं। यहाँ पे उर्दू में आ रहा है, क्या बंगला में आएगा देखते हैं। बंगला में इस तरह का आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉपी, इसको अपने कोड में चलेंगे बंगला में, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद देखते हैं उर्दू में आ रहा है कि नहीं। उर्दू में आ रहा है यहाँ पे, ये मैंने कर दिया, ये आ रहा है उर्दू में, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे उर्दू वाले में मैंने पेस्ट कर दिया। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या यहाँ पे हिंदी में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी, इसमें नॉर्मल इंग्लिश जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसे कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको अपने फुटर में आना होगा, और आपने जो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे आके आपको इसको रिमूव करना है, ये लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वही टी वाला यूज करना होगा। यहाँ पे आपको जाना होगा, इसके अंदर आपको लिखना होगा फुटर, स्पेलिंग जो बिल्कुल सही रखना है, और यहाँ पे लिखना होगा एंडिंग अंडरस्कोर टाइटल। ये आपको करना है। वेब ब्राउजर पर जरा चलते हैं एक बार, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देख सकते हैं ये आ रहा है लिखकर, चेंज करते हैं, ये मैंने कर दिया हिंदी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उर्दू करते हैं तो ये देखिए उर्दू में हो गया, ये करेंगे तो ये देखिए बंगला में इस तरीके से आने लगेगा। अब हम लोग की जो डेट वाला चीज़ है इसे भी ठीक कर लेते हैं। तो अपने कोड में चलेंगे, और यहाँ पर जो आपने डेट लिखा है यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना होगा, ये लगाना होगा, या फिर इसी के साथ ही हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे बैक स्पेस यहाँ पे आना है, और यहाँ पे सबसे पहले ये होगा ये माइनस, उसके बाद प्लस आपको लिखना है, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये इसके अंदर न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर। इस फंक्शन को आपको कॉल करना है, इसमें आपको जो है स्ट्रिंग ऐड कर देना है, ये मैंने कर दिया, और यहाँ पर आप ये स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। पेज पे चलते हैं, अब जरा एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए आ गया यहाँ पर। अब ये जो आपने कर दिया यहाँ पे गेट फुल ईयर वाला ये कर दिया, इससे क्या होगा कि अगले साल जब होगा तो अपने आप यहाँ पे 2022 लिख के आ जाएगा, आपको यहाँ पे मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो आपका काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, गिट का यूज करके अपना कोड जो है गिटहब पे पहुंचा देते हैं। तो हम लोग अपने कोड में जाएंगे, और वो हमें बताएगा कि देखिए यहाँ यहाँ पर चेंजेस किए गए, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे प्लस पे। फिर कमिट के लिए मैसेज आपको लिखना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि फुटर ट्रांसलेशन, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, कमिट हो जाएगा, इस पर करना है। पुल पुश पे जाना है, पुश टू पे क्लिक करना है, URL सेलेक्ट करना है, गिटहब पे मेरा सारा कोड जो पहुंच जाएगा। इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर आप चाहे तो मुझे मेरे ईमेल पर भी अपने डाउट जो है लिखकर भेज सकते हो, जो कि आप वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे, ईमेल मेरा लिख के आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है आप यहाँ पर जो ये देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना तो आप उसके ठीक नीचे क्लिक कर सकते हैं, सबको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।